A very good morning, dear students. Today I am going to explain 6th class chapter, chapter 4, that is A New Name. Okay, so this chapter is written by Linda Sue Park. Okay, so first we will learn all hard words of chapter 4. So student, let's see here. First hard word is obey. It means do what someone say. And second hard word is terrible. Terrible, it means horrible, bhayanak. And third hard word is sternly. It means in a serious and severe manner. And fourth hard word is glanced. It means take a brief or horrid look. Okay. And fifth is swished. Swished, it means move with a hissing or rushing sound. Okay. And sixth is fear. It means dangerous, fears जो भयानक चीज़ होता है उसको हम बोलते हैं. And seventh hard word is switch. Switch it means change. And eighth hard word is nuisance. It means difficulty. So these all are hard words of chapter for A New Name. So student, first you all will open your English literature book page number 29. Chapter 4, A New Name. So first I will give the brief introduction about Linda Sue Park. Linda Sue Park is a Korean American writer. जो Linda Sue Park है वो American Korean author है. Who has authored several novels and picture books for young adults and children. जो Linda Sue Park है उन्होंने बहुत सारी several novels और books वगैरह लिखी थी किस किस के लिए, adults के लिए और बच्चों के लिए. Okay, author it means written. Most of her work is based upon Korean history and culture. उनकी जो most जो work उनका था वो Korean history के ऊपर था और उनके culture के लिए कि Korean की क्या history है और उनका क्या culture है उसके बारे में ही वो लिखती हैं. एंड इन 2002 शी वर द न्यूबेरी मेडल फॉर अ सिंगल शॉट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूबेरी? इट मींस इट्स अ अवार्ड और ये एक अवार्ड है जो लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर अ न्यू नेम. सो पैरा 1, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ 10 ईयर्स ओल्ड कोरियन गर्ल. ये जो स्टोरी है एक कोरियन गर्ल है जो 10 ईयर्स ओल्ड है एंड उसका जो नेम है वो क्या है? किम सुन ही. हर नेम इज किम सुन ही एंड हर ब्रदर किम टी यूल. और उनके ब्रदर का नेम क्या था? किम ट्यू यूल. इट इज द ईयर 1940 एंड द जापानीज हैड टेकन ओवर कोरिया. ये जो स्टोरी है ये उस टाइम की है 1940 की जब जापानीज ने जो कोरिया है उन पर अपना क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था. एंड द कोरियन पीपल आर वेरी अनहैप्पी. दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू लर्न देयर हिस्ट्री, फॉलो देयर कल्चर और स्पीक देयर लैंग्वेज. जो कोरियन पीपल थे इस वजह से बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे. क्यों? क्योंकि उनको ये फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने कोरियन कल्चर के बारे में जान सके, अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सके और अपनी लैंग्वेज का यूज़ कर सके. Suddenly there comes a new law. All Koreans are to take Japanese name. और तभी वहाँ पर एक नया लॉ बनता है कोरिया में और वो क्या बनता है कि जो कोरियंस लोग हैं उन सबको अपना नाम बदलकर जापानीज नेम रखने हैं. ओके, द चिल्ड्रंस फादर नोज दैट द लॉ मस्ट बी ओबेड और एल्स हिज फैमिली कुड फेस स्ट्रिक्ट पनिशमेंट. और चिल्ड्रंस यानी कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? किम सु ही जो 10 इयर्स ओल्ड गर्ल है, उसका ब्रदर किम टे यूल, इन दोनों के जो फादर है उनको इस बात के बारे में पता है, होता है, वो जानते हैं कि यदि उन्होंने ये जो लॉ बना है उसका ओबे नहीं किया तो जो उनकी फैमिली है उनको बहुत सारे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेंगे और उनको इसको फेस करना पड़ेगा. सो ही हेल्प्स देम चूज जैपनीज नेम दैट रिफ्लेक्ट्स देयर कोरियन रूट्स. और तभी उनके फादर ने उनके लिए, किसके लिए? किम सू ही के लिए और किम टे यूल दोनों के लिए जो है जापानीज नेम चूज किए और जिसमें जो कोरियन नेम है उनका भी रिफ्लेक्ट होता था. मतलब वो जो जापानी नेम है वो एक्चुअली इस तरीके से उन्होंने रखा कि जो उनका पुराना वाला जो कोरियन नेम था वो उससे कहीं ना कहीं मतलब रिजम्बल होता हुआ, उनसे कहीं ना कहीं मिक्स होता हुआ नेम रखा. Now Sunhee must learn to accept her new name.
हाउ डज शी फील्स, और जो सुन ही है एक्चुअली उसको अपना जो न्यू नेम है उसको एक्सेप्ट करना ही था, उसको अपना न्यू नेम है जो एक्सेप्ट करना कर लेना चाहिए था, और वो उस नए नेम को जब एक्सेप्ट करती है तो वो कैसा फील करती है इसी बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। एंड हाउ डज शी फील मतलब वो अपने न्यू नेम को चेंज होने के बाद कैसा फील कर रही है वो सारी कुछ इस स्टोरी में बताया जाएगा। सो स्टूडेंट वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम पैरा फर्स्ट। ये जो पैरा हमने पढ़ा वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। नाउ फर्स्ट पैरा, व्हेन माय टर्न केम आई पॉइंटेड टू द लेटर के, अब्यूजी गेव मी अ न्यू नेम एंड आई वेंट अराउंड विस्परिंग ओवर एंड ओवर केपो केनियामा केपो केपो। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबूजी? अबूजी कोरियन वर्ड फॉर फादर, कोरियन में जो फादर के लिए जो बोलते हैं वो अबूजी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो किम सुही है वो उसके बारे में बताया गया है, गर्ल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। व्हेन माय टर्न केम, यहाँ पर जो सुही है वो बता रही है कि जब मेरी मतलब वो क्या बता रही है कि जब मेरे फादर ने मुझे एक नया नेम दिया जो किससे स्टार्ट हो रहा था, के वर्ड से स्टार्ट हो रहा था। के कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना आपके बुक में, तो के नेम से जब का नेम स्टार्ट होता है किसका, कोरियन गर्ल जो है किम सुन ही, तो तभी वो क्या बताती है कि आई वेंट अराउंड विस्परिंग ओवर एंड ओवर कियको केनियामा कियको कियको। तो वो क्या बताती है कि जब मेरा ये नाम रखा जाता है नया, तो मैं बार बार उस नेम को विस्परिंग यानी बार बार से उसको धीरे धीरे बोल के कोशिश कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसका जो नेम था बहुत ही बड़ा था, कियको केनियामा कियको कियको। एक वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो कोरियन नेम होते हैं उनका नेम थोड़ा शॉर्ट होता है और जो जैपनीज नेम होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो पहले तो उसका नेम थोड़ा शॉर्ट था लेकिन बाद में उसका नाम क्या रखा उसके फादर ने, कियको केनियामा कियको कियको। तो वो थोड़ा उसको बोलने में प्रॉब्लम आती है तो बार बार वो अपने नेम को क्या कर रही है, विस्परिंग कर रही है। सेकेंड पैरा, जापानीज फैमिली नेम आर यूजुअली लॉन्ग लाइक केनियामा, कोरियन वंस लाइक माई नेम किम आर शॉर्ट। जापानीज फैमिली में जो नेम होते हैं यूजुअली वो लॉन्ग होते हैं, जैसे केनियामा कोरियन, और केनियामा जो बहुत लॉन्ग है, और कोरियन नेम्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जैसे किम। तो किम सुन ही क्या बोलती है, जैसे मेरा नेम है वो तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन जापानीज नेम क्या है वो तो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। सिमिलरली कोरियन फिस्ट कोरियन फर्स्ट नेम आर ऑल्सो ऑलवेज टू सिलेबल्स एंड बट जापानीज फर्स्ट नेम कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। वॉट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबल्स? इट मीन्स पार्ट ऑफ अ वर्ड, वर्ड का एक पार्ट होता है दैट कंटेन्स सिंगल वोवल साउंड एंड आर प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। ओके, बट जापानीज फर्स्ट नेम कैन बी लॉन्ग और शॉर्ट। बट जापानीज नेम जो है उनका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट जो नेम होता है वो लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। बट कोरियन जो होते हैं उनके सिलेबस कैसे होते हैं, मतलब उसमें एक सिलेबल होता है, बट जापानीज नेम होता है उनमें दो भी सिलेबल होते हैं कभी कभी, है ना, उससे ज्यादा भी। तो वो जो जापानीज नेम होते हैं वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट कोरियन नेम कैसे होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ओके, थर्ड पैरा, आई लाइक हाउ अबूजी हैड हिडन योर रियल लास्ट नेम इन द न्यू वन ही हैड चूजन फॉर अस। आई लाइक हाउ अबूजी, अबूजी मीन फादर। तो यहाँ पर किम सुन ही क्या बोलती है कि मेरे फादर ने जो मेरा नाम रखा था एक्चुअली उस नेम में, जो रियल लास्ट नेम इन द न्यू नेम ही हैड चूजन फॉर अस, मतलब अबूजी ने हमारे लिए जो न्यू नेम रखा था जापानी नेम, उस नेम में हमारा जो पहले वाला कोरियन नेम था वो कहीं ना कहीं मतलब वो छुपा हुआ था वो नेम। And he had done the same for my first name as well as girl's name often ended in ko. और वो क्या बताती है किम सुन ही, वो ये कहती है कि मेरे फादर ने जो हमारा नाम रखा था एक्चुअली जैसे मोस्टली क्या होता है जो गर्ल्स के नेम होते हैं उनका जो लास्ट लेटर होता है वो किससे एंड होता है, को से। तो अभी जो नया नेम रखा था वो उसके साथ भी ऐसा ही था, वो भी एंड को से ही हो रहा था, विच मीन्स गर्ल इन जैपनीज बट
को ऑल्सो मीन द सन रेज. एक्चुअली वो क्या बताती है कि जो उन्होंने नेम रखा था, मोस्टली जो के ओ होता है उसका जो मीनिंग होता है कोरियन में वो क्या होता है, सन रेजेस होती है. सो केको मीन रेज ऑफ ब्राइटनेस द सेम एज माई रियल नेम एंड येट वाइल आई कुड एक्सेप्ट केनियामा केको एज अ नेम आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट एज माई नेम. एक्चुअली यहाँ पर किम सुनी क्या बोलती है कि मेरे फादर ने जो नेम रखा था उसका जो एंड वर्ड था वो था जिसका मीनिंग भी क्या होता है, सन ऑफ रेजेस, सन ऑफ रेजेस. और जो नया नाम था उसका मीनिंग भी क्या था, सन ऑफ ब्राइटनेस. इट मीन्स दोनों का मीनिंग ही सेम था, इसलिए नेम चेंज तो हो गया बट मीनिंग दोनों का सेम ही निकल रहा था. तो इस तरीके से उसके फादर ने उसका ये नेम रखा था. और फिर वो क्या बोलती है, एज अ नेम आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट एज माई नेम. और एक नाम ही था जिसको वो एक्सेप्ट, मतलब वो जो नेम था उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी. बट मुझे नहीं पता था कि वो जो मेरा नाम है, एक्चुअली वो जो नेम रखा गया था, एक्चुअली उस नेम को बोल तो सकती थी बट उसको लग रहा था कि मुझे नहीं पता था कि ये नेम मेरे लिए रखा जाएगा. तो वो थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल था. Fourth para, for the next few days there was terrible confusion at school. Next day जब स्कूल में वो जाती है तो वहाँ पर एक बहुत ही हॉरिबल कन्फ्यूजन होता है. वी हैड टू कॉल आर क्लासमेट ओनली बाय देयर जापानीज नेम. हमें अपने स्कूल में जाकर के बच्चों का जो न्यू नेम रखा गया था जापानीज नेम, हमें उन्हीं नेम से बच्चों को प्रोनाउंस करना था. इंग्लिश ने बोला, सुन ही बता रही अपने बारे में. सडनली द गर्ल अक्रॉस द आई फ्रॉम मी एंड म्यूनी नॉट मायोइंक मायोइंक. तो यहाँ पर वो क्या बता रही है कि एक गर्ल्स उसके मतलब पास में से होके आई, मतलब जो जैसे मैंने आपको बताया आई जो वो नैरो स्पेस होती है, जो दो सीट होती है उसके बीच में जो नैरो स्पेस होती है दैट इज कॉल्ड आई. तो वहीं से एक गर्ल आई उनके पास में जिसका नेम क्या था, उसका नेम था मेगुमी था, नॉट मायोरिंग मायूंगिन उसका नेम था. एंड द बॉय हु सेट बिहाइंड मी वाज मसाडो इंस्टेड ऑफ यंग वन. ओके, सो वो ये कह रही है कि जिस नाम को मुझे जापानी नेम से एक्चुअली प्रोनाउंस करना था उसकी जगह मैंने कोई दूसरा प्रोनाउंस कर दिया था, और सेम एज इट इज जो बॉय था मसाडो उसका भी नाम मैंने डिफरेंट प्रोनाउंस कर दिया था. तो यहाँ पर जो है सुनही किम सुनही क्या बता रही है कि उसका जो न्यू नेम रखा गया था उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी. और जब वो स्कूल में गई तो वहाँ पर जो कोरियन लोग थे उनपे जापानीज ने अपना क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था, और वहाँ पर जितने भी लोग थे उनका नेम चेंज कर दिया था. तो स्कूल में भी उन बच्चों को जो जापानीज नेम जो न्यू रखे गए थे उन्हीं को प्रोनाउंस करना था, उन्हीं नाम से उनको बुलाना था. सो यहाँ पर वो थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर देती है, गलत तरीके से बोल देती है उन बच्चों के जो नेम थे उनके स्टूडेंट्स के. सो आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स. सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.